सिर्फ 2 साल के अंदर ही सेवन हेवन ने इंडिया में 55 से ज्यादा सुपरमार्केट चेन्स ओपन कर दिए हैं। वहीं एक आम किराने वाला 20 साल में भी अपने बगल की दुकान तक नहीं खरीद पाता है। आज सेवन हेवन बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब जैसे 13 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या सक्सेस फॉर्मूला है सेवन हेवन का जो एक आम किराने वाला नहीं कर पाता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को हम 5 पॉइंट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी सुपरमार्केट या किराने वाले के शॉप में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो उनका होता है प्रोडक्ट क्वालिटी। तो अगर हम देखें कि एक नॉर्मल किराने वाला करीब 70% नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट रखता है और 30% ही वो ब्रांडेड प्रोडक्ट रखता है। वहीं अगर हम सेवन हेवन की बात करें तो ये 100% सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे कि HUL हो गया, ब्रिटानिया हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया या पार्ले हो गया। अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में देखें तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम एक आम किराने वाला को देखेंगे तो वो नॉर्मली वो पल्सेस, राइस, वीट, यही सब चीज़ें वो मोस्टली बेचा करता है, लेकिन इसमें सबसे कम मार्जिन हुआ करता है। तो दोस्तों मार्जिन का गेम कैसे काम करता है ये समझने के लिए हमें कंपनी का सेल्स स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी से क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास प्रोडक्ट जाता है, उसके बाद एजेंसी, फिर सुपर स्टॉकिस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, और तब जाके वो रिटेलर के पास प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ रिटेलर तक आते आते जो प्रोडक्ट होता है उसमें काफ़ी कम मार्जिन हो जाता है और जिस वजह से किराने वाले को बहुत कम प्रॉफिट होता है। लेकिन सेवन हेवन डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है क्योंकि ये एक बड़े ब्रांड है, ये डायरेक्टली नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे कंपनी से डायरेक्ट ये डील करते हैं, जिस वजह से जो बीच का पूरा साइकिल है ये सब हट जाता है और कंपनी और इनके बीच में टोटल मार्जिन का गेम होता है, जिस वजह से ये अपने सुपर मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बना लिया करते हैं। अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में एक और फायदा देखें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर आपने 1 लाख का प्रोडक्ट बेच दिया प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर में आपको 4% एक्स्ट्रा मार्जिन वो दे देंगे। मतलब आप अगली बार जब 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 96,000 देना है, 4% का वो आपको डिस्प्ले फ्री में दे देंगे। मतलब जो भी आप सुपर मार्केट में जाते हैं, आप जिलेट के बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह लगे देखते हैं, तो ये कंपनियाँ अपना डिस्प्ले खुद लगवा देती हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो वो आपको फ्री में प्रोडक्ट मिलता है आपको। मतलब अगर 15% मार्जिन मिला तो प्लस ये 4%, तो आपका 19% मार्जिन हो जाता है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम समझे कि एक आम किराने वाला को कंपनी तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है क्योंकि कंपनी का बड़ा आदमी कभी उनसे मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सेवन हेवन डायरेक्टली जब कंपनी से डील करती है तो अगर कोई प्रोडक्ट का रेट कम हो रहा है तो इनको पहले पता चलता है। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए विंटर का टाइम है और हेड एंड शोल्डर शैम्पू काफी ज्यादा विंटर पड़ा जिस वजह से कम बिका, तो कंपनी को तो अपने स्टॉक खाली करने हैं नहीं तो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो इन लोगों को इनसाइट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सेवन हेवन जैसी बड़ी कंपनियों को कि कंपनी सस्ते में प्रोडक्ट बाहर निकाल रही है, तो ये लोग बल्क में खरीद के अपने स्टोर्स पे इसको काफ़ी बड़े मार्जिन पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब एक नॉर्मल रिटेलर ये कभी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सेवन हेवन जैसे बड़े ब्रांड्स ज़्यादा मार्जिन हमेशा निकाल लिया करते हैं एक आम किराने वाले से। दोस्तों यहाँ अगर हम दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक बहुत बड़ा गेम प्ले करती है। पहले का आप देखते होंगे कि गल्ले पे एक आदमी बैठा हुआ है और उससे लोग सामने से सामान मांग रहे हैं, वो अंदर से जाके निकाल के दे रहा है। आज वो जमाना जा चुका है, लोग खुद से प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं। अगर कोई एक फेस क्रीम भी खरीदता है तो वो 5 ब्रांड देखता है, उसमें से एक चूज करता है। तो आजकल लोग चूज ही हो गए हैं, लोगों का नेचर में ही ये चीज आ गई है, जिस वजह से सुपर मार्केट अब ज्यादा सक्सेसफुल होने लगे हैं। अब यहाँ पे अगर एक नॉर्मल किराने वाला अपना सुपरमार्केट अगर खुद से खोलने जाएगा तो उसको लेआउट और डिजाइन का कोई आइडिया ही नहीं होगा, उसको साइकोलॉजी ही नहीं पता है कि सुपरमार्केट में आई लेवल पे क्या सबसे ज्यादा बिकता है। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि आई लेवल इज द बाई लेवल। तो यहाँ पे कई चीजें ध्यान में रखनी होती है एक शेल्फ बनाने के लिए भी, जैसे कि साइज कितना है शेल्फ का, एसएल की विड्थ कितनी है, हाइट कितना है स्टोर का, कितनी अमाउंट ऑफ लाइटिंग आ रही है शेल्फ के ऊपर, ये सारा कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कस्टमर जब आपके स्टोर पे एंटर किया तो उसको सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, हाई मार्जिन का प्रोडक्ट किस जगह रखा होना चाहिए, सारी चीज़ें किस तरीके से असेंबल करनी है, किस तरह से क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, आपके स्टोर कीपर्स कहाँ पे होने चाहिए, ये सब कुछ सेवन हेवन जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट टीम बहुत ईजिली आपको करके दे सकती है। लेकिन एक नॉर्मल जो किराने वाला है उसको ये सब कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखें सेवन हेवन आपको 1,000 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको पूरा आपका स्टोर बना के सिर्फ 23 लाख रुपए में देती है, लेकिन अगर आप उसे खुद करने जाएंगे तो आपको 35 से 40 लाख रुपए लगेंगे क्योंकि आप उस मार्केट में आप एक्सपर्ट नहीं हो आप उस फील्ड में। और इनका जो स्टोर होता है वो कम्प्लीटली पोर्टेबल होता है, मतलब आप सिर्फ पेंट छोड़ के वो सारा प्रोडक्ट निकाल के एक जगह से दूसरे जगह आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके बिजनेस का तीसरा सबसे बड़ा पिलर है इनका सर्विस। जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहले वो न्यू कस्टमर होता है, उसके बाद वो रिपीट कस्टमर बनता है, उसके बाद वो लॉयल कस्टमर बनता है, इसके बाद वो प्रमोटर बनता है और फिर वो आपका एडवोकेट बन जाता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो अपने आईफोन को एंड्रॉयड फ़ोन से हमेशा बेटर बताते हैं और वो उसके लिए लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं,
ये उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर हैं, उस ब्रांड के एडवोकेट हुआ करते हैं, क्योंकि ब्रांड उनको इस हिसाब से सर्विस देता है कि लोग एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं। तो यहीं पे सर्विस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर हम इनकी सर्विस समझने की कोशिश करें तो ये कई स्टेप में कस्टमर को सर्विस दिया करते हैं। जब कोई कस्टमर इनके स्टोर पे आता है तो उसको वो हेल्प करते हैं कि कौन सा बेटर प्रोडक्ट है, उनके लिए कौन सा सबसे चीप प्रोडक्ट हो सकता है, ताकि कस्टमर यहाँ पे लॉयल बनता है। इसके बाद बिलिंग होने के बाद अगर जो भी सामान लोग खरीदते हैं उसका वेट ज़्यादा है तो ये उन लोगों के घरों पर डिलीवरी करवा देते हैं खुद से, उसका ये कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं। दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये हमारे एक क्लाइंट है और हमने इनके लिए कई सारी स्ट्रेटजीज भी बनाई है। तो एक स्ट्रेटजी जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया कि 10 मिनट डिलीवरी, तो इनके हाइपर लोकल एरिया मतलब 5-10 किलोमीटर के रेंज में अगर किसी ने इनको कोई चीज़ ऑर्डर किया फ़ोन करके या इनके ऐप के थ्रू, तो ये 10 मिनट के अंदर उसे उस जगह पे डिलीवरी करवा देते हैं। वही ब्लिंकिट और जोमेटो जैसा मॉडल ये भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे इनका सेल्स करीब 30-40% बहुत इंस्टेंटली बढ़ता गया। और इसके अलावा ये सर्विस इनकी फ्रेंचाइजीज़ को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि अगर 100 लोगों ने एक महीने में इनके स्टोर पे बिलिंग कराया है तो जो इनकी बैकएंड टीम होती है वो देखती रहती है कि वो 100 लोग अगले महीने आए कि नहीं। अगर उसमें से 80 लोग आए हैं तो जो बाकी बचे हुए 20 लोग हैं उनको इनकी बैकएंड टीम कॉल करती है और पूछती है आप दोबारा क्यों नहीं हमारे स्टोर पे आए, क्या हमसे कमी रह गई। और उसके अलावा बाद ये ऑफर्स वाउचर्स वगैरह देते हैं ताकि वो कस्टमर रिपीट कस्टमर बनता जाए। अब एक नॉर्मल कोई समझ लीजिए किराने वाला है तो उसके पास तो पूरा डेटा ही नहीं मेंटेन होता है कि वो किस तरह से ये फाइंड आउट करे कौन कस्टमर मेरे पास पिछले महीने आया था, इस महीने आया था। तो यहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर ये सब कुछ हेल्प करता है बहुत अच्छे से। अगर हम फोर्थ स्टेप में समझे तो इनकी पूरी फ्रेंचाइजी में इनका सॉफ्टवेयर सर्विस भी इंक्लूड हुआ करता है। तो अब अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ गया तो आपके पास कितना स्टॉक है वो सब आप अपने सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं। आप पूरा इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है, कितना स्टॉक है, कितना खत्म हो गया, ये सारा कुछ आपके पास ऑनलाइन मेंटेन्ड है। आपको पेन पेपर लेकर सब कुछ नहीं करना है। जितने कस्टमर आपके पास मंथली आए उनका डेटा मेंटेन्ड है, कितने रुपए की आपने सेल किया, कितना रुपए प्रॉफिट किया, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है और हर एक रिकॉर्ड भी आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों जो फाइनल और आखिरी पॉइंट जो है जो इनको किसी भी नॉर्मल किराने वाले स्टोर से अलग बनाती है वो है इनकी ट्रेनिंग। क्योंकि जब भी कोई नई फ्रेंचाइजी खुलता है तो उसको पोलाइटली बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना किसी भी कस्टमर से। यहाँ पे सेवन हेवन का प्रोडक्ट मैनेजर एक महीने के लिए जो भी नई फ्रेंचाइजी लेता है उसके पास जाता है, उसको बताता है किस तरीके से आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, किस तरीके से आपको वेंडर्स को मैनेज करने हैं, किस तरीके से आप अपनी सेल्स टीम को अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं, और किस तरीके से आपका स्टोर ऑपरेट होगा, आपका सप्लाई और वेंडर मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, और सॉफ्टवेयर आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सब कुछ इनका प्रोडक्ट मैनेजर आके फ्रेंचाइजी ओनर को सिखा के जाता है एक महीने के लिए और पूरी ट्रेनिंग देके। दोस्तों यहाँ पे एक और पार्ट आ जाता है, जब आप कोई ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने HUL का प्रोडक्ट लिया तो HUL अपने एक पर्सन को आपके स्टोर पर भेज देती है कुछ महीनों के लिए और वो अपना प्रोडक्ट खुद बेचने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई सुपरमार्केट है आप जहाँ पे HUL का प्रोडक्ट लगा होगा तो HUL अपनी कंपनी से भेज देगी एक पर्सन को जो कि 1-2 महीने आपके स्टोर पे रहेगा और वो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को बेचेगा। एग्जांपल अगर हम समझे कोई आपको फेस क्रीम चाहिए और आप वहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो HUL का जो पर्सन रहेगा वो आपको गाइड करेगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, वो अपना प्रोडक्ट लोगों को ज़्यादा बेचेगा और वो पर्सन आपके स्टोर पर्सन की तरह काम करता है, उसकी आपको कोई सैलरी नहीं देनी है और अपना आप स्टाफ भी कम कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रांड्स को लेने के फायदे हैं। तो फाइनली एक बार हम इनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनकी फ्रेंचाइजी फीस क्या है और सारा कुछ एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो अगर आपको सेवन हेवन की फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपके पास 300 से 10,000 स्क्वायर फीट के बीच का एरिया होना चाहिए। फ्रेंचाइजी फीस करीब 2,10,000 होती है प्लस GST। इसके अलावा सॉफ्टवेयर फीस 50,000, प्रोडक्ट कॉस्ट इनका करीब 1,500, इंटीरियर जो कॉस्ट आता है वो 1,000 से 1,200 पर स्क्वायर फीट आता है। इसके अलावा 1,00,000 का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जब भी कोई नई फ्रेंचाइजी खुलती है तो वहाँ पे TV एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, लोगों के घरों पे पैम्फलेट बांटना कि मतलब सेवन हेवन का नया स्टोर खुल गया है, ये सब कुछ कंपनी आपको करके देती है। तो मतलब A to Z हेल्प यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है। दोस्तों ये हमारे क्लाइंट हैं और जेन्युइनली इन्होंने काफ़ी बेटर किया है इस मार्केट पे, इसलिए मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया कि एक नॉर्मल किराने वाला क्यों नहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाता है लाइफ में और सिर्फ 2 सालों के अंदर सेवन एमएन कैसे 55 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी खुल दिया और 15 और इनकी फ्रेंचाइजी अगले एक महीने में खुलने वाली है। तो अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो आप डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंचाइजी नहीं भी लेना है तो आप ये स्टेप ट्राई करिए इम्प्लीमेंट करने का, बट अगर आपको किसी एक्सपर्ट का सपोर्ट मिल जाता है तो आप बहुत कम पैसे में वो चीज़ें आप कर सकते हैं और साथ में आपको एक ब्रांड का सपोर्ट मिल गया। जैसे अगर आप एक अपने नाम से किराने का स्टोर खोलते हैं और आपके पास बगल में एक सेवन हेवन नाम की ब्रांड की फ्रेंचाइजी खुली है तो समझिए आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा,
आप जो भी किराना वालों को जानते होंगे प्लीज आप उनको ये वीडियो जरूर भेजिए ताकि वो लोग इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझे। और अगर उनको फ्रेंचाइजी नहीं भी लेनी है तो भी वो अपने शॉप्स में सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को ऑटोमेट ज्यादा से ज्यादा वो जितना करेंगे वो उतना तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।